बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती ये मूंग की और चने की दाल है। इसे मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। जो नहीं खाते हैं वो इस तरह से दाल बनाएं और बहुत ही मज़े की अपनी फैमिली को भी खिलाएं, यकीनन 110% आपको पसंद आएगी। लाजवाब रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हम प्याज ले लेंगे, इसमें प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, ये सब ऐड कर देंगे और लहसुन बारीक चॉप हुआ हुआ है ये ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी डालेंगे, इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्ची है, नमक और धनिया पाउडर। इसी के साथ इसमें पानी ऐड कर देंगे। मिनिमम 1 kg तक मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर और अब इसका फ्लेम ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे मिनिमम 1 घंटे तक। इसके बाद दाल में बॉईल आए वो गिरती है उबलने से, तो इससे पहले हम यहाँ पर इसमें 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। अब इसे कवर कर देंगे। और व्यूअर्स ये देखिए, यहाँ पर ये दाल जो थी ना हाफ कुक हुई है और इसे जो ना मैंने थोड़ा थोड़ा करके जब खोट लिया है, इसे मैं भी आधा घंटा सा और पकाऊंगा। बहुत ही मजे की यमी खुशबू आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अभी हम इसमें और चीजें ऐड करने वाले हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर दाल जो है घुटने पर आ गई है और इसे मैंने बिल्कुल लास्ट में 15 मिनट लास्ट के जो थे उसे बिल्कुल स्लो आंच पर रख दिया था। इसे मैंने अच्छी तरह से घोट लिया है और थोड़ा सा घोट के मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर हम साथ साथ भंगार की तैयारी भी कर रहे हैं दाल की। बहुत ही ज़बरदस्त तड़का यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर मेरे पास लहसुन है, हरी मिर्ची है, दोनों चीजें भंगार में जाएंगी, गार्निश के लिए जाएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये मक्खन ले लेना है और इसके अलावा भी मैं सरसों के ऑयल के साथ इसे भंगार लगाऊंगी। दाल को 2 घंटे भिगो लेने से दाल जो है वो जल्दी से यहाँ पर बन गई। भीगने से दाल जो है फूल जाती है और जल्दी से बन जाती है। सरसों का ऑयल मैंने पका लिया था और इसमें मैं लहसुन डाल देंगे, ब्राउन करेंगे इसे लाइट को और इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। ये यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है। साथ साथ मैंने आपको दिखाया था बटर, वो ऐड कर दिया है। बहुत जबरदस्त जायका आता है बटर से। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर हमने जितनी दाल खानी है उतनी हमने बंगार लगा दिए। ये देखिए जबरदस्त, ये चीज बहुत ही जबरदस्त। हैंड टू हैंड जब हम सर्व करते हैं उसमें दाल का भंगार लगाने का जो जायका है वो बिल्कुल ही अलग है।
उसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर हरा धनिया डंडियों के साथ ही मैंने काट लिया था। डंडियों के साथ बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है। इसे चावल के साथ खाएं, अचार, सलाद, चटनी, लाल वाली, हरी वाली, जैसे भी आप बनाते हैं उसके साथ खाएं, बहुत मजे का जायका होता है। और मिर्ची फ्राई के साथ बहुत जबरदस्त लुक आता है व्यूअर्स। और ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर दाल फाइनली रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हम सर्व करते वक्त काली मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी जायके के लिए। और यहाँ पर हम इसे रोटियों के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हैं। चावल के साथ दाल जो होती है थोड़ी सी लिक्विड वाली बनती है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गाढ़ी रखी है दाल, क्योंकि हमें रोटी से खानी है। रोटी से चूर के खाएं और भी मजा आता है। और इसे एक बाउल में, छोटे से बाउल में प्याली में लें, उसे स्पून के साथ खाएं। काली मिर्ची और गरम मसाला डाल के बहुत ही मजे का जायका आता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।